हेलो नमस्ते खुलुम्बाई में सुष्मिता आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा अलग है, आज आप लोग मुझे थोड़ा अलग सा रूप में देखने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप लोग को थंबनेल टाइटल देख के पता लग ही जाएगा कि क्या है। एक्चुअली मेरा मेकओवर होने वाला है और जो मेरा मेकअप करेंगे ना उनका नाम है पारिजात बोरो। आप लोगों ने बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, साथ में उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो अपना ब्लॉग अपलोड करते हैं। हमारा जो प्लान था ना काफी पहले से ही था, लेकिन मैं बीच में बुखार मतलब बीमार हो गई थी तो जा नहीं पाई और पोस्टपोन करना पड़ा था, और आज फाइनली वो दिन है तो उसके लिए रेडी होके बैठी हूँ। दीदी भी जाएंगे मेरे साथ में, मैं रियान को लेके नहीं जा रही, दीदी और मैं ही जाएंगे। और काफी ज्यादा बारिश दे रहा है सुबह से आज नॉन स्टॉप, इसीलिए उनके हस्बैंड लेने आ रहे हम लोगों को, शायद पहुंचने वाले है और अभी हम वेट कर रहे खाना साना खा के, जब वो आएंगे फोन कर लेंगे, हम जल्दी से निकल के चले जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखते रहना ब्लॉग को। आप लोग अगर मुझे ब्राइडल लुक में देखना चाहते हैं तो पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ खास करके उनसे मिलने के लिए। उधर गाड़ी वेट कर रहा है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। चलते अभी उखाया कि ना बोए गो छिंग हादे ने छिंग फुंगाओ बांसिन मन पूरा बीमार दिख रहा हूँ ना, ऐसा आईलाइनर लगाने वाला काजल लगाने वाला नहीं लगाने से बरसों से रो रहा है, बीमारी जैसा दिखता है। पहुंच के निकलते हैं गजो ने हाय। तो ये सारे प्रोडक्ट मेरे फेस में जाने वाले हैं, इसके बाद ही मैं सुंदर बनूंगी ना क्या क्या, और सुंदर बनाने वाले कुछ अलग ही ज्यादा सुंदर बना देते देखते रहना आप लोग लास्ट लास्ट मतलब कैसा होता है। सुष्मिता का अलग रूप ना क्या कुछ अलग ही बनाने वाले तो सारे स्टूडेंट है जो नए नए सीख रहे हैं, यहाँ पे क्लास भी चल रहा है, बहुत दूर दूर से आए हैं, दूर दूर के तो पहुंचते ही मेकअप स्टार्ट ही कर दिया क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया था। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे पूरे फेस को क्लीन किया, उसके बाद मेरे आई में आई लेंस लगाया, और आई लेंस जो है मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने पहले कभी नहीं लगाया था। पहले तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बाद में एडजस्ट हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की मेरी आई मेकअप से, क्योंकि वो क्लास ले लेकर स्टूडेंट को समझा समझा के कर रहे थे, थोड़ा वक्त तो लगता है। और आई मेकअप में शायद उन्होंने कट क्रीज वगैरह किया होगा, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता। और उन्होंने उसके बाद मेरे फेस में स्टार्ट किया और फेस में भी जो सब करना था, जो सब मतलब प्रोसीजर होता है मेकअप का, तो उन्होंने इसे स्टार्ट किया। एंड आप लोग देख ही पाएंगे कि ये लगाने के बाद मैं कितनी ज़्यादा गोरी होने वाली हूँ, और आप लोग देखना कितना मतलब धीरे धीरे मैं अलग सा लगने लग जाऊँगी। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मैं कितनी अलग लग गई हूँ, और ये तो बस मेकअप का शुरुआत है, बाद में वो मुझे अच्छा बनाने वाले हैं। हालाँकि यहाँ पर थोड़ी सी भूत जैसी दिख रही हूँ, बाद में वो सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। मैं तो बहुत मज़े से थी, बहुत इंजॉय करके उनका मतलब मेकअप इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो बाद में मुझे खूबसूरत बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग देखना आई मेकअप उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है, मतलब मैं खुद को ऐसे सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसी दिखूंगी। तो इधर हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है काफी मेहनत कर रही है, वो मेकअप कर रही है, साथ में क्लास भी कंटिन्यू कर रही है, तो इसके जरिए वो उन लोगों को सिखा भी रही है। अगर कोई भी उनसे मतलब ये मेकअप का कोर्स या फिर ब्राइडल मेकअप का कोर्स सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर दे के रख दूंगी, आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करके आराम से सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मेकअप किया है उन्होंने और बहुत ही फ्रेंकली तरीके से वो आराम से सिखाते हैं। चल रहा है पूरा तैयारी करके रखा है, ब्रेक टाइम मेकअप पूरा कंप्लीट, अभी फोटोशूट के लिए वेट कर रहे हैं। खुद को मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना अलग कैसे लग सकता है कोई। बहुत बढ़िया मेकअप किया है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ हेवी सा मेकअप लगा के रखा है, बहुत ही बढ़िया लाइट टाइप में और इतना कवरेज मिला है फेस को, वाह बहुत ही बढ़िया। सच में मुझे लगता था
लोगों को बहुत हैवी फील होता है, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं होता सच में। दुल्हन तो लाली लगाती है ना। और सब लोग पहचानते होंगे इनको, तो क्यों नहीं पहचानेंगे, इतने अच्छे आर्टिस्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपना स्पेशल डे को बुक करना चाहते हैं, तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर देके रखूंगी। आप लोग कोई भी चाहता है तो इनको बुक कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन में चले जाएंगे। और मेकअप तो आप लोग देख ही सकते हैं, इनका काम कितना बढ़िया है। मैं तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कैसा कैसा लगा। अभी मेरे को अभी वालों भी बोल देना, कोई बात नहीं है कि नहीं। फोटोग्राफर भी आ गए फाइनली, काफी वेट करवाया आपने। कोई नहीं कोई नहीं, गप्पे ही चल रहे थे लड़कियों के, कभी खत्म नहीं होते ना। सेटअप चल रहा है, इधर होगा फोटोशूट। और सारे स्टूडेंट घर जा रहे ना, थे ना, नो नो थे तो से थागन ना सर ना दुनिया के जन रहे माना। फोटोशूट से पहले टच अप ना। डन, फोटोशूट के लिए पूरा सेटअप हो गया है, तो उधर मुझे जाना पड़ेगा। मुझे नहीं आता, ठीक है आप लोग सिखाना। और ये परिजन जी के हस्बैंड जो तभी हमें लेने गए थे। पर हमारा फोटोग्राफी स्टार्ट हो गया, मुझे काफ़ी सारा पोस्ट देना था, लेकिन मुझे पोस्ट देना बिल्कुल नहीं आता, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ना तो मैं मॉडल हूँ ना तो कोई एक्ट्रेस हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मेरे लिए तो काफ़ी टफ होगा ही, और मेरा ये सब एक्सपीरियंस भी फर्स्ट था। लेकिन हाँ, परिजात जी ने और फोटोग्राफर जी ने मुझे मतलब काफ़ी हेल्प किया, उन लोगों ने जो भी पोस्ट बोला मैं वही पोस्ट देने की ट्राई कर रही थी, काफ़ी इन्जॉय भी किया हमने, साथ में हंसी मजाक भी चल ही रहा था। वो लोग मुझे बार बार खुल के हंसने के लिए बोल रहे थे, मैं काफ़ी नर्वस हो रही थी शायद, क्योंकि हंसी ज़्यादा नहीं आ रहा था मेरा, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। स्माइल के लिए बोल रहे थे एंड स्माइल देने की कोशिश कर रही थी मैं, और काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ। एंड ऑब्वियसली फोटोग्राफी में परिजात जी के हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प भी किया, पीछे आप लोग देख ही सकते हैं, सबका मेहनत था। परिजात जी भी बार बार टचअप वगैरह जो भी जरूरत था वो करके दे रहे थे, मैनेज करके दे रहे थे, तो सबका मेहनत लगा। देखते हैं कि फ़ोटो कैसे आता है, हो सके तो मैं कम्युनिटी टेप में फोटो आने के बाद शेयर करूँगी कैसा फोटोग्राफी उन्होंने किया है। आज मेरा मीडिया में कुछ कंजूस हो रहा है क्या? मैं नर्वस हो रही हूँ शायद, तो मैं बहुत हंसती हूँ। और यहाँ पे तैयारी हो रही थी मोबाइल वाला फोटोग्राफी के लिए, तो रील्स बनाना चाहते थे परिजात जी, तो वही सब बना रहे थे। खत्म। अभी बाय बाय बाय। तो अभी खत्म हो गया मेकअप, मतलब मेकअप में घर में जाके मतलब क्लीन करने वाली काफी लेट हो गया, और इधर से मिले मेरा मेकअप किया। तो बहुत बढ़िया मेकअप करते हो, और आप लोग अगर अपना स्पेशल डे में बुकिंग करना चाहते तो प्लीज कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये अपना मतलब क्लास भी सिखाते हैं ना आप लोग, आप मतलब बोंगाईगांव में? हाँ, बोंगाईगांव में क्लास करते हैं। फेसबुक में अभी परिजात बोरो, और इंस्टाग्राम में भी परिजात बोरो, और यूट्यूब में भी परिजात बोरो। डिस्क्रिप्शन में नंबर देके रखूंगी, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं कॉल करके, और अगर कोई अपना स्पेशल डे में बुकिंग करना चाहते तो भी कर सकते हैं आराम से।